नमस्कार बिहार समाचार में मैं दीपक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिन भर की छोटी बड़ी सभी खबरों को लेकर के आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूं। सभी खबरों को जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और मुख्य समाचार से। तेजस्वी यादव ने जापान में जाकर के खुद को नहीं सिर्फ बल्कि देश के तमाम लोगों को मजबूत किया। 2024 के चुनाव को लेकर के भी वह लगातार खुद में मजबूती ताकतों को बदल लाते नजर आए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने इस वक्त 24 का चुनाव ना सिर्फ चुनाव बल्कि पहाड़ के समान लगातार वह बना पड़ा हुआ है, जिसके वजह से लगातार वह कार्यों में लगे हुए हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार बहुत जल्द मार सकते हैं पलटी, ऐसी उम्मीदें दिखाई दे रही है। ये मेरा कहना नहीं है बल्कि ये जो खबर है वो खबर सिर्फ और सिर्फ आरजेडी कई बड़े नेताओं की तरफ से अवगत कराई गई है, जिसके संकेत दिए गए हैं। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक जीवन के नए शुरुआत के साथ एक नई संघर्ष की तैयारी शुरू की। आज लालू प्रसाद यादव को सोने के मुकुट के साथ सम्मानित किया गया था। आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से जिया बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जेल से बाहर आने की बहुत जल्दी है, और ऐसे में जेल से बाहर आ सकते हैं ऐसी उम्मीदें भी दिखाई दे रही है। क्या है खबर विस्तार से बात करेंगे। आज की मुख्य और बड़ी समाचार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य बड़े नेताओं की नई कोशिशों के संघर्ष की बड़ी कहानियों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बताएंगे कैसे वो कार्यों को लगातार लोगों के समक्ष रखने का बड़ा प्रयास कर रहे हैं। जी हां, बिहार के स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा ना दिए जाने पर अब शिक्षकों पर हो गया फयाद, भेजा जाएगा जेल। गलती पर पूरी तरीकों से जेल के लिए दरवाजा खुला हुआ है। आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बातें करेंगे किस तरीके से राजनीति के नए नए बवंडर और नई तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है, और एक बड़ी कोशिशों के साथ नए बड़े प्रयासों को भी आप देख रहे हैं। इस वक्त सामने आ रही है खबर कि अब कांग्रेस बीजेपी के अन्य वरिष्ठ और बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक नई कोशिशों का प्रयास किया जा रहा है, एक संघर्ष की बड़ी कहानी को दिखाया जा रहा है। खबरें सामने आ रही है इस वक्त मतदान केंद्रों पर पहुंचाने की लोगों की तैयारी में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार के द्वारा मतदान केंद्रों पर पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जा रहा है। एक बहुत बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से, आरसीपी सिंह को बहुत जल्द जेडीयू के प्रभारियों के साथ साथ अन्य बड़े प्रभार से जिस तरीके से हटाया गया उसके बाद में बीजेपी उन्हें अपना कमान दे सकती है। मिली एक नई जानकारी के मुताबिक 2024 के चुनाव को लेकर के अहम और बड़ी जानकारियां सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी ना सिर्फ पंजाब और हरियाणा समेत अन्य राज्यों में बल्कि कांग्रेस के जिन राज्यों में सरकार चल रही है उन राज्यों में पार्टी को तोड़ सकती है, और इसके साथ बिहार समेत उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जहां आरक्षण सीटों को किया गया, जहां बसों के अंदर महिलाओं के लिए सीटों के अच्छे आरक्षण की बातें कही गई है। बड़ी खबर के सामने निकल कर आ रही है मौसम विभाग से जुड़ा हुआ। मौसम विभाग ने लोगों को अपडेट किया, लोगों को अवगत किया और लोगों को सावधान रहने की भी बात कही। दरअसल इस बार बारिश ना होने से कई बड़ी चिंता व्यक्त किया गया है। आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बात करेंगे किस तरीके से मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना के बाद में अपने जात के लोगों को किया अपील, कहा गंगा जल की कसम खा करके आने वाले वक्त में हमारे लिए कार्य करें। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में जानेंगे किस तरीके से सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं ने इस वक्त लगातार कुर्सी को हिला दिया है, आने वाले वक्त में कई बड़े निर्णय से भी कुर्सी हिलने वाली है। तो छोटी बड़ी सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही दोस्तों बता दें कि रोजाना की बड़ी खबरें आपको यहीं मिलेगी। खबर है तेज प्रताप यादव ने 2024 की चुनाव को लेकर के दी एक नई जानकारी के मुताबिक वह लगातार खुद को मजबूत करते नजर आए हैं और धीरे धीरे उनकी ताकतें और ज्यादा बढ़ती भी नजर आ रही है। एक के बाद एक उनकी ताकत बढ़ती नजर आई। अशोक गहलोत ने लोगों को लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की सीटों को किया लोगों के लिए जहां कई बड़े अपील करते नजर आए। वहीं आज बड़ी मुख्य समाचार में बात करेंगे कि 30 सालों में देश से बेरोजगारी को दूर कर इसके साथ देश को कैसे आगे बढ़ाने के लिए 30 सालों में दुनिया का शक्तिशाली देश साबित करने के लिए हिंदुस्तान को अवगत किया गया। बिहार के छपरा में इंटरनेट सेवा बाधित हो गई क्योंकि फिलहाल जो है वो तनातनी के माहौल में, और इसके साथ ही पूरी तरीके से जहां दुर्गा विसर्जन के चीजों को देखते हुए दो पक्षों के लड़ाई को देखते हुए इंटरनेट बैन किया गया। मनोरंजन की खबरों में जानेंगे किस तरीके से भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का संघर्ष 2 और पवन सिंह का एक ऐसा फिल्म ने बड़ा इतिहास बनाया है, इसके बारे में बताएंगे।
दीपावली के शुभ मुहूर्त पर भी आपको कई खबरों से अवगत कराएंगे, देश दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों को देंगे और इसके साथ देश के लोगों के लिए क्या कुछ नए ऑफर्स का शुरुआत कंपनियों ने किया इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बात करेंगे किस तरीके से एक के बाद एक बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है और अपराध पर नियंत्रण लगाने में सरकार जो है वो असफल होती दिखाई दे रही है। सरकार के पास अब कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि डेंगू मलेरिया और इन चीज़ों को रोक सके। सरकार लगातार अपने प्रयासों कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी असफलता हासिल दिखाई दे रही है। खैर, आप इस पर क्या जानते हैं, आप इस पर क्या विचार है ज़रूर बताइएगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ देश के लोगों के लिए एक अनोखी और बड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही है। देश के लोगों ने ट्विटर पर आज सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को बताया महंगाई के खिलाफ वो उठेंगे। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे बाजारों में अब दांत खट्टा हो सकता है, आपकी कीमत या तमाम चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी और लोगों के लिए परेशान करने जैसा। इसके साथ राहुल गांधी ने को भी कुलियों का भेस पकड़ा तो कभी किसानों का भेस पकड़ा और लोगों के लिए बड़े इतिहास बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने भी आज बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें दी। इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी। तेजस्वी यादव ने खुद को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार का जो सहारा लिया, नीतीश कुमार ने इस पर कई बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिए हैं। नीतीश कुमार के निर्णय लिए जाने से आज आने वाले वक्त की कई बड़ी मजबूती भी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार जी हां कई बड़े निर्णय बिहार के लिए ले रहे हैं। वहीं बिहार के शिक्षकों के बहाली के लिए बड़ा फैसला लेते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोगों को रोजगार देने की हमारी प्रयास शुरू है। हम सभी चाहते हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार दिया जाए और इसके लिए जितना कुछ हमसे हो सकता है हम उतना करेंगे। हम बिहार के युवाओं के लिए जो रोजगार बंद पड़े हुए थे उन रोजगारों को भी चालू करने की नीतीश कुमार की प्लानिंग शुरू हो गई है। नीतीश और तेजस्वी की सरकार जहां मजबूती से बिहार में कार्यरत है और चल रही है, वहीं बीजेपी इस आरोप को लगाने से नहीं थक रही है कि पूरी तरीके से यह सरकार गिरने वाली है। यह सरकार को गिराने के लिए लगातार चल रहे बड़े प्रयासों के बावजूद भी कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि आने वाले चुनाव में भी इसका कुछ बड़ा बेनिफिट और फायदा उठाया जा सके। हालांकि आप इसके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, अपनी राय और विचार कमेंट में लिखिएगा जरूर। खबरें सामने आ रही है बिहार के स्कूलों में अगर कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा रही है और इसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाए तो सरकार इस पर सख्त एक्शन लेने वाली है। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की शिक्षा ना दिए जाने पर सरकार के द्वारा अब यह साफ कर दिया गया है कि बच्चों के कंप्लेन दिए जाने के बाद में अब सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को भी जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा क्योंकि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कंप्यूटर की शिक्षा बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जरूरी है। खबरें सामने लालू प्रसाद यादव को लेकर क्या रही है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री के जिया रहे कार्यक्रम में आज शिरकत की जहां आरजेडी समेत अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव को सोने के मुकुट से सम्मानित किया गया। सोने के मुकुट को पहना करके लालू प्रसाद यादव को सम्मानित किया गया तो लालू प्रसाद यादव ने भले ही मंच से कई बड़े जनसभाओं को संबोधित करने का निर्णय लिया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर हम बचे रहे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लोकसभा के चुनाव में यह बिहार से सुपड़ा साफ होगा। उसके साथ इंडिया गठबंधन के हार का भी उन्होंने कामना कर दिया। उन्होंने कहा कि बस इंडिया गठबंधन का हार का आप मजा लीजिए क्योंकि यह हार साफ तौर पे जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरीके से जबरदस्त बीजेपी को हराएगा और इसके लिए वो लगातार कई बड़ी कोशिशों को करते नजर आएंगे। हालांकि आज बड़े और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लालू प्रसाद यादव का ये निर्णय आने वाले वक्त में कई अन्य आने चीज़ों को मजबूत कर सकता है। धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव अपने विचारों को देश की जनता के समक्ष रख रहे हैं। आने वाले वक्त के लिए कई अन्य बड़े निर्णय लिए जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से एक बड़ी महत्वपूर्ण कोशिशों के साथ तैयारियां शुरू की गई हैं और ये तैयारियां इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए हैं। राहुल गांधी ने 2024 के अंदर अपनी कई जनसभाओं को करने के अलग अलग तौर तरीके भी अपनाए हैं। सोशल मीडिया का सहारा विज्ञापनों के लिए लिया जा रहा है जहाँ लाखों की संख्या में विज्ञापनों को चलाया जा रहा है और लाखों की संख्या में विज्ञापनों को चला करके एक दूसरे को जोड़ने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। खैर, आपकी क्या राय है।
बड़ी खबर तो यह है कि जीतन राम मांझी ने 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार के द्वारा जो कराई गई है, जातीय जनगणना में सिर्फ एक व्यक्ति को मलाई देने की बात हुई, राजनीतिक मलाई सिर्फ एक व्यक्ति ले गया जबकि बदनाम सभी हुए थे। जीतन राम मांझी भी उसमें शामिल थे जब NDA की तरफ से जातीय जनगणना की मांग करने के लिए वरिष्ठ और बड़े नेताओं की मौजूदगी दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास पर की गई थी। उस वक्त उन्होंने भी शिरकत किया था। बड़ी खबर तो यह है कि सोशल मीडिया के अन्य हैंडलों पर विज्ञापनों के माध्यम से राजनीतिक दलों ने खुद की ताकतों को बहुत ही तेजी से बदौलत मजबूत किया है। धीरे धीरे ये ताकतें और भी मजबूत होंगी, लेकिन सोशल मीडिया का सहारा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए लिया जा रहा है। जो व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन लगाए जा रहे हैं और सोशल साइट्स पर इस विज्ञापनों के माध्यम से लोगों को कई चीज़ों पर अवगत कराया जा रहा है। हालांकि अब इससे कितना ज़्यादा किस राजनीतिक दलों को फ़ायदा होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अब इस पर चीजें अस्पष्ट तौर पर दिखने लगी हैं चुनाव से पहले। देश के चुनाव से पहले बिहार के चुनाव पर चर्चा होगी, क्योंकि बिहार के चुनाव में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, पशुपति पारसनाथ NDA का हिस्सा है। वहीं आपूर्ति इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े हिस्सेदारी में जाने वाली सीटें भी चुनाव के चर्चे में होने वाली है। चिराग पासवान ने कहा कि NDA का जो हिस्सा है वो काफ़ी बिहार में मजबूत है और NDA यहां धरातल पर भी खुद को मजबूत कर बैठी है। अब NDA की इस मजबूती के वजह से कोई और राजनीतिक दल यहां अपनी खंभे को मजबूत कर सके ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चिराग पासवान का निर्णय काफी महत्वपूर्ण है और इस निर्णय से बिहार में जातीय जनगणना से लेकर के कई अन्य महत्वपूर्ण अवगत चीजों को लेकर जानकारी सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।